देश में एक तरफ लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग है। वहीं इस बीच चक्रवाती तूफान रेमल की दस्तक से देश के कई राज्यों में दहशत मच गई। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान रेमल का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। चक्रवात की वजह से रेल, फ्लाइट, ट्रैफिक पर गहरा असर देखा गया। तूफान की वजह से सैकड़ों पेड़ सड़कों पर गिरे नजर आए। भारी बारिश की वजह से बंगाल के अलग अलग शहरों में सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया। रेमल तूफान के चलते हावड़ा में तो ट्रेन की पटरियों को जंजीरों से बांधना पड़ा। असम में भी रेमल का उत्पात देखने को मिला। हालांकि सरकार और प्रशासन की तैयारियां पुख्ता थी, इसीलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। रेमल तूफान से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी निर्देश भी दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई को चक्रवाती तूफान रेमल से निपटने को लेकर समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की थी। पीएम मोदी ने गृह मंत्रालय से स्थिति की निगरानी करने, चक्रवात के आने के बाद समीक्षा करने और सेवाओं की बहाली के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कहा। पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल में पहले से ही तैनात NDRF की 12 टीम और उड़ीसा में एक टीम के अलावा कुछ और टीम को पूरी तरह तैयार रखा जाए, जो 1 घंटे के भीतर आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान उनके प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य सचिव भी उपस्थित थे। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल को देखते हुए पूर्वोत्तर राज्य हाई अलर्ट पर थे। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम सरकारों ने अलग अलग सलाह जारी की थी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों को अधिकतम सतर्क रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा था। खतरनाक चक्रवाती तूफान रेमल रविवार रात 8:30 बजे पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मोंगला में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया था। लैंडफॉल 4 घंटे तक चला। इस दौरान तूफान ने बहुत तबाही मचाई। बंगाल में 6 और बांग्लादेश में 10 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के 29,000 घरों को नुकसान हुआ। हालांकि जितने बड़े खतरे की आशंका थी वो टल गया और इसकी बड़ी वजह प्रशासन की तैयारियां थी। मौसम विभाग के मुताबिक गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल सोमवार सुबह कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल गया है। अब ये नॉर्थ ईस्ट की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, यानी बंगाल से लगे त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम में इसका असर रहेगा। तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के अलावा उड़ीसा, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में 28 मई को बारिश होगी। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।